love that. There is a saying in English, if you want something wholeheartedly, then one day definitely you're going to achieve that. And कुछ ऐसा ही हुआ हम लोग के साथ इस बार. Almost 1-2 failed attempt के बाद इस बार जाके हम लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है लद्दाख जाने का, एंड वो भी अपने दोस्त लोगों के साथ. So hello everyone, welcome back to the channel. This is your host and dost Shubhadeep aka the Bong Wayfarer. Let's get started. से ये बोलना भूल गया कि लद्दाख ट्रिप का प्लान एक्चुअली बना कैसे. सो 3-4 मंथ्स बिफोर पोलस एक्चुअली टोल्ड मी दैट देयर इज अ ग्रुप हु आर विलिंग टू गो टू लद्दाख, विल यू जॉइन अस. सो विदाउट हैविंग एनी सेकंड थॉट मैंने सीधा हां बोल दिया. और उसके साथ ये पीछे मेरा सौम्य भी था. सौम्य, ही इज द वन हु इज ऑर्गेनाइजिंग द होल ट्रिप. रोहन मित्र, जस्ट 2 मंथ्स बैक आई थिंक हम लोग एक डिस्कस भी कर रहे थे कि ये लेट्स ड्रॉप द प्लान. मतलब ऐसा भी हुआ था, वी आर एट द एयरपोर्ट नाउ. टेक्निकली पहले हम लोग 5 लोग थे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस गाय जॉइंड अस टुडे आफ्टरनून. कैन यू जस्ट इमेजिन, दिस इज द क्रेजीएस्ट एवर वाइल्ड कार्ड एंट्री आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ. भाई साहब, कर कैसे लेते हो? बोलने के लिए स्टोरी भी तो बनना चाहिए ना. काइंड ऑफ फोमो वाज वर्किंग कि हां मिस कर जाऊंगा एंड ऑल. देन चलो, ऑल टाइम लाइक आई ऑलवेज प्लान, आई नो द इटिनरी, आई नो व्हाटएवर विल बी हैपन, एंड this time like ye wala this maja aata hai. He is going with my itinerary. We have to leave. That is more crazy. अगर आप कलकत्ता से ले आना चाहते हो, देयर विल बी ए स्टॉप एट न्यू दिल्ली, बट आई डोंट नो व्हाई सरप्राइजिंगली फॉर अस स्टॉप वाज एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हम लोग सीधा ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, फिर ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे. सिर्फ साउथ ही जाना बाकी रह गया था. सो नंबर 1, वी आर गोइंग वाया मुंबई एक्सट्रीम वेस्ट, एंड सेकेंड थिंग, हम लोग का जो कोलकाता का जो फ्लाइट था दैट वॉज अराउंड 2 AM एट midnight. सो आई थिंक दिस वर द 2 reasons जिसके वजह से हम लोगों का कोलकाता टू ले का फ्लाइट का कॉस्ट थोड़ा बहुत कम पड़ा बाकी जितना भी फ्लाइट है उससे. सो दैट्स आवर फ्लाइट टू ले, आवर ड्रीम डेस्टिनेशन. ब्रो अभी फील आ रहा है हम लोग ले जा रहे हैं सच में? यस, वेदर भी वैसा अपने आप को. या मुंबई का मॉनसून नेवर फेल्स टू इंप्रेस. गुड मॉर्निंग. जाने के टाइम पे याद रखना हमेशा ए साइड मतलब फ्लाइट का लेफ्ट साइड टू विंडो लेना, बिकॉज व्यू इधर अच्छा आता है, और वापस आने के टाइम राइट साइड पे. थोड़ा क्लाउडी है अभी, बट होपफुली फिंगर क्रॉस. तो एक सच बात बताओ, फ्लाइट में ऑलमोस्ट 50+ टाइम्स ट्रेवल करने के बाद दिस द फर्स्ट टाइम आई हैव बुक्ड अ पेड विंडो सीट जस्ट टू गेट दैट ब्यूटीफुल ले लैंडस्केप, ले एरियल व्यू. तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली स्विच टू दैट पर्टिकुलर व्यू. Welcome to Kushok Bagula Rinpoche Airport at Leh, which is the highest civilian airport in India. बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, आर्मी कंट्रोल्ड. इसे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है. यहाँ पे उतरती सबसे पहले चीज़ जो मेरे को नोटिस हुआ वो है टेम्परेचर चेंज. वेदर में बहुत चेंजेस है,
कलकत्ता में जितना गर्मी था उसका ऑपोजिट यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है। टेम्परेचर मैंने अभी चेक नहीं किया, होगा कुछ 17-18 के आसपास। ये जो पूरा एयरपोर्ट प्रीमाइसेस है अंदर और बाहर, दिस इज आर्मी डिफेंस एयरपोर्ट, सो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज प्रोहिबिटेड टू सम एक्सटेंट। सो एयरपोर्ट के बाहर आते हैं हम लोग का गाड़ी मिल गया और यहाँ पे हम लोग पूरा सामान लोडिंग कर रहे हैं। दूर पूरा पहाड़ों का रेंज दिख रहा है, आप लोग ऊपर से पूरा माउंटेन रेंजेस वगैरह देखे ना, वहाँ पे बेसिकली चार माउंटेन रेंजेस है, वन ग्रेटर हिमालय, सेकेंड जांसकर, थर्ड लद्दाख एंड फोर्थ काराकोरम रेंजेस। दिस इज रोहन एंड अनदर यूट्यूबर। लेट्स गेट रोलिंग बेबी, लेट्स गेट रोलिंग। सो रीच्ड एट आवर होटल ज़नांग एट ले। जो एयरपोर्ट से डिस्टेंस था दैट वॉज ओनली अराउंड 3.2 किलोमीटर। लुक्स लाइक ए प्रॉपर पैलेस काइंड ऑफ थिंग। होटल वी आर चेकिंग इन राइट नाउ, इट गिव्स यू द प्रॉपर फील ऑफ अ टिबेटियन मोनार्क पैलेस। होटल का आर्किटेक्चर, बाहर का डिजाइन सब ऐसा ही लग रहा है। अगर देखा जाए तो लद्दाख का एग्जैक्ट मीनिंग है द लैंड ऑफ हाई पासेस इन टिबेटन लैंग्वेज, एंड टॉकिंग अबाउट इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिटवीन ट्रेड रूट्स बिटवीन चाइना, टिबेट एंड इंडिया। 1960 ऑनवर्ड्स चाइनीज गवर्नमेंट banned the border between Tibet Autonomous Region and India, and since 1974 onwards Indian government started promoting tourism at Ladakh, and rest is history, you know. Indian government declared Ladakh as the latest union territory of India, so presently Ladakh is the second least populous and the largest union territory of India. We are at Leh, the summer capital of Ladakh, winter capital is Kargil. So Leh mein अभी हम लोग का प्लान है सीधा जाने टुवर्ड्स ले मार्केट की तरफ। ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 3:34 इन द आफ्टरनून, एंड सी दिस गाय वेयरिंग कश्मीरी फेडेन। धूप बहुत है बिकॉज यहाँ पे सनसेट थोड़ा लेट से होता है, अराउंड 7:30, विच इज अ गुड पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी विल बी गेटिंग दैट गोल्डन आवर फॉर दैट फोटोशूट। वाइट स्नो केप्ड ऑल दिस माउंटेन्स, ब्यूटिफुल व्यू। होटल ज़नांग से निकलते हुए हम लोग लेफ्ट लिए टुवर्ड्स मार्केट एरिया। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग विथ रेंटेड बाइक, यहाँ आजू बाजू बहुत सारा होटल है और होटल का एडजेसेंट एरिया पे सब जगह पे बाइक रेंटेड अवेलेबल है। तो प्राइसिंग इज फिक्स्ड अराउंड 1500 और इट्स जस्ट लाइक सीजन टाइम में 1500, बाकी टाइम में 1000 ऐसा हो जाता है, 1700 तक चला जाता है ये। हाँ। सब मतलब हर जगह अलग है। हाँ। डिमांड और सप्लाई। अभी रेट क्या है? 1500 अभी, और थोड़ा बहुत बार्गेन करके 1300 होता है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। या सो गुड न्यूज फॉर ऑल द बाइकर्स कि आप यहाँ पे लेह लद्दाख पे आके भी यहाँ पे बाइक रेंट पे ले सकते हो। थोड़ा दूर चलने के बाद मेरे को ऐसा एक सुपर मार्ट टाइप दिखा यहाँ पे, ड्रैगन सुपर मार्ट बोल के। यहाँ पे हम लोगों का डेली एसेंशियल्स सारे आइटम यहाँ पे मिलेगा। सो 10-15 मिनट चलने के बाद एक डाइवर्शन आया, इधर पुलिस स्टेशन है राजनिवास है और इधर हम लोग को जाना है सीधा टुवर्ड्स ले मेन मार्केट। हियर यू कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम ज्वेलरी टू क्लोथ्स, ग्रोसरीज, लोकल स्ट्रीट फूड, मतलब ए टू जेड एवरीथिंग। कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है लेन, तो हम लोग को रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज द मेन हैपनिंग एरिया। यहाँ से स्टार्ट करते हुए एकदम पीछे एंड तक है ले का मेन मार्केट एरिया, जो ले का मेन मॉल एरिया है। यहाँ का वाइब्स देख के मेरे को सिक्किम का एमजी मार्ग वाला वाइब्स याद आ रहा है, बहुत सारा मिलता जुलता है यहाँ का वाइब्स। एंड शाम को ये पूरा जगह इट विल बी लिट अप टोटली, इट्स 6:30 इन द इवनिंग एंड सी लाइक हाउ मच ब्राइट इट इज। सनसेट होता है अराउंड 7:30 तक, पूरा यहाँ पे लाइट रहता है, आंखें नहीं खुल पा रहा है। सूरज उधर है, अभी भी 2-3 घंटे लगेगा लग रहा है नीचे जाने के लिए। वैसे हम लोग जब बॉम्बे में भी थे तो वहाँ पे भी 7:30 को ही सनसेट होता था, राइट? ले मार्केट के एकदम बीचों बीच ले पोस्ट ऑफिस है, छोटा सा क्यूटा सा ले पोस्ट ऑफिस। हाउ मच नीट एंड क्लीन इज द एंटायर एरिया एंड एवरीवन इज मेंटेनिंग द सेम थिंग।
सेम लाइक वी फेस्ड एट एमजी मार्ग एट गैंगटॉक और एट दार्जिलिंग. गुड मॉर्निंग भाई, आपका नाम? मेरा नाम पलदंग है सर. आप यहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी, मैं इधर का हूँ, लेह का. अच्छा, हाँ जी. तो आज कहाँ का हम लोग घूमने वाले हैं लेह साइड सीन पे? आज हम जाएंगे हेलो फैम पहले, हाँ, उसके बाद हम मैग्नेट हिल गुरुद्वार और संगम पॉइंट, हाँ, उसके बाद लास्ट हम जाएंगे शांति स्तूपा. शांति स्तूपा, हाँ. We just reached at the first viewpoint at Leh, that is the Hall of Fame, a place to take pride as an Indian. A war memorial built on the memory of the soldiers who lost their lives during Indo-Pakistan wars. Ye Hall of Fame Leh city se bahut nazdeek hai, only 4 km on this Leh Kargil highway. Matlab this side is Leh and this side is Kargil. This Hall of Fame stands as a reminder of the great sacrifices made by our soldiers to ensure our safety and security of the country. और इधर war memorial भी बहुत सारा है, जितना भी tankers वगैरह use हुआ है ये वो भी यहाँ पे रखे है. Photo भी ले सकते हो, it's not prohibited here and it is totally controlled by the Indian army. So children up to 14 years is free and after that adults is 250 and there are like sound and light show timing also during 8 pm in the evening. This is the opening and closing time. We will be going towards Shanti Stupa, Gurudwara, and this monastery will be covered on the last day and later on we will be moving towards Nubra Valley. As I mentioned, this is a museum dedicated to Indian Army. So inside there are two sections. Okay, so first one is known as Bijay OP Gallery. वहाँ पे Indo-Pakistan War जो हुआ था, Kargil War, उसमें जितने भी arms और ammunition capture किए गए थे वो display पे रखा है. And the second part is the second section, better to say, Siachen Glacier में जितना भी armies वगैरह वहाँ पे गार्ड कर रहे हैं हम लोगों को, वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, व्हाट आर द अपैरल्स दे यूज्ड टू वेयर, वो सब डिस्प्ले पे यहाँ पे रखे हैं. तो देयर आर टू मेजर सेक्शंस इनसाइड. सो यू ऑल आर डन एट हॉल ऑफ फेम, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मैग्नेटिक हिल, द मेन अट्रैक्शन ऑफ लेह. दिस इज द पार्किंग एरिया फॉर हॉल ऑफ फेम. ये जो पार्किंग एरिया से जो पीछे का माउंटेन का व्यू आ रहा है ये तो नेक्स्ट लेवल है. ऊपर स्नो कैप माउंटेन्स, दिस साइड हॉल ऑफ फेम एंड दिस साइड द एंटायर बैरन लैंड. During childhood, we heard about one English rhyme. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, then both came down tumbling after. Now, what if I tell you there is an uphill place in the entire India at Leh, जहाँ पे आप downhill जाने के बजाय आप uphill पे जाओगे.
समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक, उसके वजह से ये जगह का नाम हुआ है मैग्नेटिक हिल और मिस्ट्री हिल व्हिच डिफाइज द ग्रेविटी. यह लिखा है वेलकम टू मैग्नेटिक हिल द फेनोमेनन दैट डिफाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये देखो गाड़ी न्यूट्रल पे यहाँ पे पार किया है और गाड़ी अपने आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे न्यूट्रल पे रखना है और गाड़ी अपने आप पीछे की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स अपहिल. स्टीयरिंग पे हाथ भी नहीं रखा है, पीछे की तरफ जा रहे हैं. देखो अपने आप पीछे जा रहे हैं. नाउ देयर आर टू साइंटिफिक रीजंस व्हिच डिस्क्राइब्स दिस फेनोमेना. तो बेसिकली ये जो हिल्स आप लोग देख रहे हो, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स. ये सारे व्हीकल्स को अपने तरफ खींच रहा है ड्यू टू ई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स. तो इसी वजह से इंडियन आर्मी का जितना भी एयरफोर्स है तो ये मैग्नेटिक हिल के ऊपर से फ्लाई कभी नहीं करते. एंड द सेकेंड फेनोमेना इज, अगर आप चारों तरफ देखोगे, इट क्रिएट्स एन ऑप्टिकल इल्यूशन. तो वो ऑप्टिकल इल्यूशन के वजह से आपको लगेगा कि ये अपहिल है बट प्रैक्टिकली दिस इज डाउन हिल. तो बेसिकली इट्स लाइक काइंड ऑफ आंखों का धोखा. बट यहाँ का जो लोकल लोग है वो लोगों का मानना कुछ अलग है. दे यूज टू से कि भगवान को जो लोग प्यारा होता है उन लोगों को ये मैग्नेटिक हिल अपने तरफ खींचता है. आई बिलीव दिस इज अ र्यूमर, इसके ऊपर बिलीव ना करो. जो साइंटिफिक रीजन मैंने बोला वही दो होगा. दिस प्लेस इज लाइक 30 किलोमीटर फ्रॉम ले सिटी एंड टोटली सिक्लूडेड एंड रिमोट एरिया. तो अगर आप आ रहे हो तो साथ में खाना वगैरह लेके आओ या पेट भर के खाना खा के आओ. बिसाइड दिस मैग्नेटिक हिल देयर इज अ 80 फीट स्पोर्ट्स राइड. दिस इज द ट्रैक, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ से लेके वहाँ तक वो दूर पहाड़ों में जा रहे हैं वो लोग. दैट इज अ ट्रैक एंटायर 1 lap. हम लोग का प्लान है हम नुब्रा में 80 फीट राइड करेंगे बिकॉज वहाँ पे सैंड्स बहुत ज़्यादा होता है तो करके वो मज़ा आएगा. टुडे इज 15th of July एंड वी आर क्वाइट सरप्राइज दैट मैग्नेटिक हिल पे इतना भीड़ नहीं है. द वीडियोज दैट आई हैव सीन, यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स लोगों का भीड़ रहता है. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज, अभी हिमाचल उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रहा है तो उसी के लिए लेह मनाली हाईवे पूरा क्लोज्ड है. तो जितना भी बाइकर्स लोग मनाली होके इधर आते हैं ना वो लोग आ नहीं पा रहे. वही सब लोग है जो वाया फ्लाइट आए हैं. वी आर फ्रॉम आंध्रा. सो डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम आंध्रा हियर? नो नो, वी केम बैक टू लेह बाय फ्लाइट एंड rented this bike. Yes. Directly you are going to Nubra? Not today, tomorrow. Bye bye. यहाँ पे अभी फोटो सेशन चालू है. जितना भी आप फोटो उठाओ आपको लगेगा एक नहीं और 2-3 उठाते हैं. अलर्ट भी रहना पड़ेगा बिकॉज दोनों साइड से कंटिन्यूसली कार्स आर पासिंग बाय. आफ्टर मैग्नेटिक हिल वी केम टू द आइकॉनिक जांसकर एंड इंदस रिवर कन्फ्लुएंस पॉइंट. वो देखो आगे राफ्टिंग भी चल रहा है. वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो इधर भी राफ्टिंग कर सकते हो. And this is Indus River. Color is slightly muddy. And if you see the Janskar River, थोड़ा आगे जाके तो उसका कलर होगा slightly greenish और bluish type. आप लोगों को तो पता है कि ऋषिकेश में भी rafting होता है but अभी मेरे को पता चला कि ये Leh में जो rafting spot है this is as like world's highest rafting point. From this point to Sangam is like 16 kilometers and river is Janskar. Duration is like 2 to 2, like 2.5 hours. Boat spot हो रहा है ना वहाँ, that is the confluence point. तो यहाँ से तो नदी का कलर दोनों का सेम ही लग रहा है. तो जाने के टाइम पे वी विल स्टॉप एट द टॉप एंड वी क्लिक ए पिक्चर एंड शो टू यू लाइक कलर थोड़ा बहुत डिफरेंस ऊपर से दिखने को आता है बट यहाँ से तो पूरा मडी टाइप दिख रहा है. सो दिस स्पॉट इज एंटायरली डेडिकेटेड टू राफ्टिंग. इधर एक और बैच रेडी हो रहा है. सो दिस बैच इज डन विद द राफ्टिंग. वहाँ से चलते हुए इधर आके एंडिंग पॉइंट. इधर थोड़ा टर्बुलेंस ज़्यादा लग रहा है, वो साइड टर्बुलेंस थोड़ा ज़्यादा है. राफ्टिंग स्पॉट के ठीक सामने एक संगम कैफ़े बोल के एक कैफ़े भी है. इधर आप चाय नाश्ता कर सकते हो. So how are you feeling? How is the Josh? Hi. Hi sir. पानी ठंडा है? Acclimatize जो हमने बोलते हैं ठंडा है, बर्फ का पानी है. ऑफ कोर्स ठंडा तो होगा ही लेकिन ठीक है, व्यू अच्छा है. Left hand side, that is the Indus River, also known as Sindhu, really needs no kind of introduction. It is one of the longest rivers in Asia
So it was the birthplace of the great Indus Valley civilization in the 3rd millennium before Christ, and the lifeline to ancient cities like Harappa and Mohenjo-daro. So Zanskar river is like formed in the Zanskar valley as a result of two rivers, and ye jo pura jagah ka exact location hai, this is like 35 kilometers from the Leh, just 5 kilometers from the magnetic hill. For the last 20 minutes I have been here and just observing the turbulence level. मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि पानी का लेवल जो है ना वो थोड़ा बढ़ गया है। फिर आपको शूज भी मिलेगा यहाँ पे, ओके? शूज? चप्पल मिलेगा, सैंडल मिलेगा आपको यहाँ पे। अच्छा, पानी बहुत ठंडा है ना इस वाटर? ठंडा पानी है। सच बताऊँ तो I can feel the harsh sunlight right now. अभी वो प्रॉपर ले का समर वाला वाइब्स फील आ रहा है, बहुत गर्मी भी लग रहा है, एंड मेरे को सुनने को आया है कि लास्ट संडे को बारिश हुआ था। इतना बारिश होता नहीं है यहाँ पे, बिकॉज दिस कम्स अंडर शैडो एरिया ऑफ हिमालयन रेंज। Just stopped at the Sangam aerial viewpoint. On the left hand side you can see the Indus river, and on the right hand side you can see the Zanskar river. This is the main confluence point jahan se abhi hum log hoke aa rahe hain upar. Ek jhalak dekhne se dono muddy brownish color hi lagega. On the Leh Karigal Highway, we have stopped at the fourth spot, that is Gurudwara Pathar Sahib Leh. This is the parking lot, and that is the main entrance for the Gurudwara Pathar Sahib. सबसे पहला चीज़ जो मेरे को नोटिस हुआ, यहाँ में सबके लिए फ्री में चाय का बंदोबस्त है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिठाई। This is some kind of resting area. हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट लेंगे, थोड़ा चाय पानी पिएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे एट गुरुद्वारा पत्थर साहिब। This is Leh's only Gurudwara. It was built in the memory of Sri Guru Nanak Ji. बहुत ही interesting story है. So in the year 1515, Guru Nanak Ji was coming back to Punjab via Srinagar after covering Nepal, Sikkim and Tibet. And यहाँ पे आके he was doing meditation. एक demon ने attack कर दिया by throwing boulder. ऊपर पहाड़ों से boulder फेंक के attack किया. पर जो boulder Guru Nanak Ji को touch किया, तो it became soft. तो वो पत्थर बोला जाता है अभी भी अंदर है। इवेंचुअली गुरु नानक जी वैंक्विस दैट पर्टिकुलर डेमन, एंड उसका मेमोरी पे पूरा ये मेमोरियल स्पॉट या गुरुद्वारा पत्थर साहिब का निर्माण हुआ। मैंने बहुत सारा फोटोज एंड वीडियोस लिया, लंगर का हम लोग जो अंदर खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, उसका भी वीडियो लिया। आप देखो और एंजॉय करो, और नीचे कमेंट बॉक्स से बोलो सबसे अच्छा वाला चीज कौन सा लगा आपको। ये पूरा लेह का जितना भी साइट सीन वगैरह हम लोग कवर किए। Experience inside Gurudwara Pathar Sahib. First, Sushil. So, अंदर जाके एक अद्भुत शांति का महसूस हुआ हमें। एक अलग ही माहौल था। और प्रसाद इतना अच्छा था कि हम लोग दो बार लेके खाए। पूरा घी घी भरा हुआ। मतलब मैं आपको पूरा प्रोसेस बोलता हूँ। अंदर जाते ही सबसे पहले आपको एक
रेड कलर का ऑरेंज कलर का स्कार्फ दिया जाएगा, वो आपको सर पे पहनना पड़ेगा. इफ यू आर वेयरिंग शॉर्ट्स देन दे विल प्रोवाइड फुल पैंट सो दैट यू कैन एंटर इनसाइड द टेंपल मेन टेंपल पार्ट. एंड यहाँ पे लिखा है फोटोग्राफी एंड वीडियो प्रोहिबिटेड बट एट सेम टाइम आई जस्ट आस्क्ड एंड टुक परमिशन एंड क्लिक फ्यू पिक्चर्स एंड वीडियोस. जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज था वो था लंगर का खाना, रोटी, राइस, दाल एंड सब्जी. उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा ले मार्केट और शांति स्तूपा जो कि आज का दिन का सबसे लास्ट और लास्ट पार्ट है टू एंड आवर साइट सीन एट ले. चलो सो वी केम टू द फाइनल स्पॉट ऑफ द डे दैट इज शांति स्तूपा. शांति स्तूपा का लोकेशन तो ऊपर है, हम लोग को ये चढ़ के जाना पड़ेगा. सो टिकट प्राइस इज अराउंड 30 रुपीज पर पर्सन. सो राइट नाउ वी आर हेडेड इनटू शांति स्तूपा. So we have bought all the six tickets for six of us. It costed us around 180. Nominal charge. Yeah. चलो फिर. Let's go. ऊपर शांति स्तूपा जाने से पहले ठीक आगे एक शांति स्तूपा कैफे एंड रेस्टोरेंट है. यहाँ पे आके आप चाय या कॉफी पी सकते हो, उसके साथ बढ़िया सा व्यू भी एंजॉय कर सकते हो. पूरा ले सिटी का, पूरा सिटी का पैनोरामिक व्यू यहाँ से विजिबल है. So what are the things available right now here at शांति स्तूपा कैफे? हम लोग अभी जूस पी रहे हैं, एप्रिकॉट का जूस ट्राई करेंगे. बहुत खाना वगैरह खा लिए हम लोग, पैनकेक, जूस, हॉट चॉकलेट. इसके बाद सीधा ऊपर जाएंगे टू एक्सपीरियंस द सनसेट फ्रॉम द शांति स्तूपा. और ऊपर पूरा सिटी का 360 डिग्री व्यू भी एंजॉय करेंगे. बट यहाँ से भी जो व्यू आ रहा है वो भी बहुत सही है. कैफे में आने का रूट मैं आपको बोल देता हूँ. आप उधर से आए टिकट लेके ऊपर शांति स्तूपा, ठीक नीचे फर्स्ट पॉइंट शांति स्तूपा कैफे एंड रेस्टोरेंट. खाना नहीं भी खाओ तो ये व्यू का मजा जरूर लेना. आई लिटरली गॉट स्पेलबाउंड बाय सीइंग दिस सुपर 360 डिग्री व्यू. अभी ऊपर से भी अच्छा वाला व्यू मिलेगा. दिखने में ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू दार्जिलिंग का जो पीस पैगोडा हम लोग देखे थे, ऑलमोस्ट उसी टाइप दिखता है. यहाँ पे आ रहे हो तो सनराइज या सनसेट का टाइम पे आओ. बहुत ही अच्छा वाला सनसेट यहाँ पे आप लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. भीड़ थोड़ा ज्यादा है, क्या करे. इट्स अ काइंड ऑफ वाइट डोम्ड शेप चौटेन. चौटेन का मतलब है टेम्पल. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1991 बाई जापानीज बुद्धिस्ट भिक्षुक गोमो नाकामुरा. इट होल्ड्स द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा जी एट द बेस. काफी तगड़ा वाला व्यू आ रहा है. पीछे सनसेट भी होगा ऑन दैट साइड इज द वेस्ट साइड. इधर पूरा पहाड़ों का व्यू आप लोगों को दिखने को मिलेगा. सो दिस इज द ओनली प्लेस इन द एंटायर लेस टाउन विच ऑफर्स स्टनिंग पैनोरामिक 360 डिग्री शॉट फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंटायर ले टाउन. Almost it's around 6 p.m. in the evening. Let me show you the stunning background. Pura Leh city from your right hand side to the left hand side. Pura ek parikrama to ho gaya mera. Abhi wo jo chota wala white color ka ek structure dikh raha hai na, that is Leh Palace. सर आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं. आई होप यू गाइस हैव रियली एंजॉयड दिस एंटायर ले साइट सीन वीडियो. टुमारो वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स नुब्रा वैली एंड दिस टाइम आई विल बी पब्लिशिंग ऑल द ले लद्दाख सीरीज ऑन माय यूट्यूब चैनल द बॉन्ग वेफेयरर. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज आई एम रॉय 92. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून एट नुब्रा वैली.